lecture we are going to study transforming principle. This transforming principle is given by the Frederick Griffith in 1928. That's why this experiment is also known as the Griffith experiment or Griffith principle. ठीक है. एंड जो ग्रेफिथ है उसने अपना एक्सपेरिमेंट एक बैक्टीरिया पर किया था जिसका नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. ठीक है, क्योंकि निमोनिया क्रोजिंग बैक्टीरिया है जनरली, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. ठीक है. एंड जो बैक्टीरिया होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसके दो स्ट्रेन्स हैं. स्ट्रेन्स मतलब कि दो उसकी वेराइटीज हैं. एक वेराइटी जो है उसको बोलते हैं हम एस टाइप वेराइटी और एक को बोलते हैं हम आर टाइप वेराइटी. एस फॉर द स्मूथ एंड आर फॉर द रफ. अब होता क्या है, जो ये स्मूथ टाइप की जो इसकी कॉलोनी है, जो इसका स्ट्रेन है इस बैक्टीरियम का, ठीक है, उसके बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक कॉट होता है. ठीक है, एक कॉटिंग होती है विच इज कॉल्ड एज द कैप्सूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल. मतलब एक पॉलीसेक्राइड की बनी हुई एक कैप्सूल लेयर होती है. क्लियर. और जो आर टाइप है उसके ऊपर कैप्सूल लेयर नहीं होती है, दैट्स वाई वो क्या है, रफ. ठीक है, और जिसके ऊपर कैप्सूल लेयर है वो क्या है, स्मूथ और शाइनी है. वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये आइडेंटिफाई करने वाला था कि विच जेनेटिक मटेरियल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. है ना, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है वो किस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू हो रहा है, ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था. तो इन सम हाउ वो कुछ जाकर इस पे सक्सेस भी हुआ. तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया ये देखते हैं. तो ग्रिफिथ ने क्या किया, ठीक है, कि इसने जो बैक्टीरियल है दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन्स थे, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन. जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियल सेल्स थे उसको क्या किया उसने कि एक माइस के अंदर इंजेक्ट किया. क्लियर, एस स्ट्रेन वाले मतलब कि स्मूथ सेल वाले. ठीक है, और जो स्मूथ सेल वाले जो बैक्टीरिया थे वो वायरुलेंट थे, मतलब कि वो डिजीज कॉजिंग थे. क्लियर, और जो आर टाइप वाले थे उनके ऊपर कैप्सूल लेयर नहीं होती है, वो नॉन वायरुलेंट थे, मतलब कि डिजीज कॉज नहीं करते थे. तो जब उसने क्या किया कि जो एस सेल्स लिए, स्मूथ टाइप के जो बैक्टीरियम लिए और उनको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस जो है वो डेड हो गया. और माइस की बॉडी से स्मूथ टाइप के ही वायरुलेंट सेल्स जो हैं एस सेल्स वो वापस रिकवर हुए. इसी तरह से फिर उसने दूसरा स्टेप क्या किया कि अब आर टाइप के सेल्स लिए और उनको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस जो है वो सर्वाइव्ड रहा. ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको डिजीज नहीं हुई और उसके ब्लड में मतलब उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की प्रेजेंस भी नहीं थी. ठीक है, फिर क्या किया उसने, जो ये स्मूथ टाइप का बैक्टीरियम था उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको हीट किया. हीट करने की वजह से जो उसकी कैप्सूल की लेयर थी ऊपर की, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गई. ठीक है, तो उसको क्या बोला उसने, हीट किल्ड एस सेल्स. है ना, मतलब हीट किल्ड हो गए एस सेल्स और उनको उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया. ठीक है, तो वो माइस जो था वो सर्वाइव रहा, मतलब वो जिंदा रहा और उसके ब्लड से उसकी बॉडी से कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिला. ठीक है, इसका मतलब है कि कैप्सूल लेयर है वो रेस्पॉन्सिबल है इसकी डेथ के लिए. ठीक है, उसके बाद उसने फिर क्या किया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि जो ये हीट किल्ड एस सेल थे, ठीक है, उनको आर सेल्स के साथ में मिक्स कर दिया और अब बॉडी के अंदर उसमें उसको इंजेक्ट कर दिया. है ना, तो माइस जो है वो डेड हो गया. क्लियर, अब हीट किल्ड एस सेल भी डिजीज कॉज नहीं करता और आर सेल भी डिजीज कॉज नहीं करता. ठीक है, मगर जब हीट किल्ड को एस सेल्स को लाइव एस आर सेल्स के साथ में मिक्स कर दिया और बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो माइस डेड हो गया और उसकी बॉडी से क्या मिला, एस टाइप के सेल्स मिले, वायरुलेंट सेल्स मिले. इसका मतलब हुआ क्या होगा, ठीक है, कि जो एस सेल्स हैं उन्होंने आर सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें, एस सेल्स में. मतलब कि आर सेल्स ही किस चीज में कन्वर्ट हो गए, एस सेल्स में. कैसे, क्योंकि जो आर सेल्स थे उन्हीं के ऊपर अब क्या लेयर आ गई, कैप्सूल की लेयर फॉर्म हो गई. ठीक है, जब इनके ऊपर कैप्सूल की लेयर फॉर्म हो गई आर सेल्स के ऊपर, तो वो क्या बन गए, एस सेल्स. क्लियर, मगर इस चीज को किया किसने, जो हीट किल्ड एस सेल्स थे उन्होंने आर सेल्स को कन्वर्ट कर दिया एस सेल्स में. ठीक है, ये उसका कंक्लूजन था, मतलब कि आर सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए एस सेल्स में. तो इसी बेसिस पर उसने क्या दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. मगर वो अभी भी ये चीज नहीं बता पाया था, बायोकेमिकली ये चीज नहीं बता पाया था कि विच सब्सटेंस इन हीट किल्ड एस सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल्स इनटू द एस सेल्स. क्लियर, तो अब एक बार इसके एक्सपेरिमेंट्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं. सो
व्हेन लाइव एस टाइप सेल्स वर इंजेक्टेड इनटू माइस, है ना, जब लाइव एस टाइप के सेल्स को माइस में इंजेक्ट किया, दे डेड ड्यू टू द निमोनिया, है ना, वो डेड हो गए थे, पहला वाला एक्सपेरिमेंट था. दूसरा, व्हेन लाइव आर टाइप सेल्स वर इंजेक्टेड इनटू द माइस, दे सर्वाइव, है ना, जब आर टाइप के सेल्स को हमने माइस में इंजेक्ट किया तो वो नहीं मरे, है ना, वो जिंदा रहे. व्हेन हीट किल्ड एस टाइप सेल्स वर इंजेक्टेड इनटू द माइस, मतलब हीट किल्ड एस टाइप सेल्स लिए, है ना, उनको हीटअप किया, उनको किल्ड कर दिया, और उसके बाद माइस में उनको इंजेक्ट किया, तो भी माइस क्या रहा, सर्वाइव किया, ठीक है, एंड देर इज नो सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, और कोई उसके अंदर बैक्टीरिया भी वापस रिकवर नहीं हुआ. व्हेन हीट किल्ड एस टाइप सेल्स वर मिक्स्ड विद द आर टाइप सेल्स, है ना, जब हीट किल्ड एस टाइप सेल्स को मिक्स कर दिया आर टाइप के सेल्स के साथ में और इंजेक्ट किया माइस में, दे डेड, वो डेड हो गए. क्यों? ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, क्योंकि उनमें आप क्या दिखाई दिए, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसमें सिम्टम्स आने भी चाहिए, है ना, क्योंकि हीट किल्ड एस टाइप से भी सिम्टम्स नहीं आ रहे थे और आर टाइप से भी सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, मगर दोनों के मिक्सचर से आ रहे थे, ठीक है, तो निमोनिया के सिम्टम्स आ गए. ठीक, एंड लाइव एस टाइप सेल्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइस, और ये देखा गया कि जो लाइव एस टाइप सेल्स थे वो माइस से हमें रिकवर हुए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही कंक्लूडेड दैट हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया कॉज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर टाइप बैक्टीरिया, है ना, मतलब आर टाइप बैक्टीरिया को उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया इनटू द एस टाइप बैक्टीरिया, मतलब कि आर टाइप बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया, एस टाइप बैक्टीरिया में. बट ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, मगर वो ये नहीं बता पाया था कि जो ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है इसका कॉज क्या है, क्यों हुआ ऐसा. वो ये तो जरूर बता गया कि दैट कि जो एस टाइप बैक्टीरिया है, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया है, उसी ने आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया, मगर क्या ऐसा कॉज था वो नहीं बताया. ही फर्दर स्टेटेड दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रीम, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हैं जो कि ट्रांसफर हुए फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रीम एंड अनेबल्ड आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज ए स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट, है ना, और जिसके वजह से क्या हुआ, जो आर स्ट्रेन था वो अब क्या कर पा रहा है कि अपने चारों तरफ एक स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट, मतलब कि कैप्सूल की लेयर फॉर्म कर पा रहा है और क्या बन जा रहा है, वायरुलेंट एंड बिकम वायरुलेंट. बट बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये जो भाई अगर कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है तो किसी ने जेनेटिक मटेरियल की वजह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो वो जेनेटिक मटेरियल कौन है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये वो नहीं बता पाया था. नेक्स्ट, अब जो बायोकेमिकल नेचर ग्रिफिथ नहीं बता पाया, उस चीज को बताने के लिए अब कुछ साइंटिस्ट ने काम किया ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद, उसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीट किया. ठीक है, और वो साइंटिस्ट कौन कौन थे, ऑस्वर्ल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियर्ड एंड मैकलिन मैकार्टी. ठीक है, और उन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इन विट्रो किया, है ना, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया उसको जस्ट डिटरमाइन करने के लिए, उसको पता करने के लिए, उसके बायोकेमिकल नेचर को पता करने के लिए इन तीनों ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पर ही दोबारा से काम किया. तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कैसे किया कि दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, उन्होंने कुछ बायोकेमिकल्स लाइक प्रोटीन, डीएनए और आरएनए हीट किल्ड एस टाइप सेल से निकाले. ठीक है, और उसके बाद ये चेक किया वन बाय वन कि किस इन तीनों में से किस केमिकल ने, है ना, आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट किया. ये किया कैसे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, एक बार ये समझते हैं. उन्होंने क्या किया कि जो जैसे प्रोटीन्स को डिग्रेड कौन करता है, प्रोटीएज एंजाइम, डीएनए को डीएनएज, आरएनए को आरएनएज. उन्होंने क्या किया, वन बाय वन ये केमिकल्स जो हैं ये एंजाइम्स उस सॉल्यूशन में डाले. ठीक है, मतलब कि प्रोटीएज डाला, तो जब प्रोटीएज डालेंगे तो प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाएंगे, और फिर उसको इन्फेक्शन के लिए छोड़ दिया, किसके ऊपर, माइस के ऊपर. ठीक है, अब देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, मतलब कि आर टाइप जो है वो एस टाइप में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है. ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो हो गया. फिर उन्होंने क्या किया, आरएनएज एंजाइम लिया. ठीक है, और आरएनएज भी डाला, आरएनएज डालने के बाद भी क्या किया कि अब आरएनएज क्या करेगा, आरएनए को डिग्रेड कर देगा. ठीक है, और फिर देखा इन्फेक्शन करवाकर कि आर टाइप एस टाइप में चेंज होता है कि नहीं होता है. तो जब देखेंगे तो क्या हुआ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब कि आरएनएज के डिग्रेड होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, फिर उन्होंने थर्ड क्या किया, डीएनएज डाला. जैसे ही डीएनएज डाला तो डीएनए डिग्रेड हो गया. अब डीएनए के डिग्रेड होते ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि किसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, डीएनए के वजह से. दैट्स व्हाई दे ऑब्जर्व दैट डीएनए अलोन फ्रॉम द एस टाइप सेल्स कॉज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप सेल इनटू द वायरुलेंट एस टाइप सेल. ठीक है, मतलब कि आर टाइप सेल को वायरुलेंट एस टाइप सेल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सिर्फ कौन रेस्पॉन्सिबल था, डीएनए.
दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीएज आर एन एज डिड नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. अभी मैंने बताया कि प्रोटीएज और आर एन एज जो है वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट नहीं डाल रहे थे, मतलब उनकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मगर वाइल डी एन एज इनहिबिट द प्रोसेस, मगर डी एन एज की वजह से क्या हो गया, वो इनहिबिट हो गया प्रोसेस, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं. तो दे कंक्लूडेड दैट डी एन ए इज द हेरिटरी मटेरियल, मतलब कि डी एन ए ही रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्सियन चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे.